बर्ड वॉच न्यूज के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। कैमूर शहर व आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर पसंद आए तो उसे लाइक करें व औरों को भी शेयर करें। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। जैसा आपको पता है कि अभी 144 धारा के माध्यम से विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, तो अभी हमारी कोशिश है कि हम आज रात 9 बजे तक जितने भी लोग बाहर से आए हैं, चाहे वह गांव के हों शहर के हों, इन सभी लोगों की 100% हम स्क्रीनिंग कर लें और इनमें अगर किसी को बुखार खांसी के लक्षण रहते हैं तो उनका हम उपचार करते हैं। तो आज हमारी पहली प्राथमिकता ये है जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 100 बेड का एक क्वारंटीन सेंटर पृथक से हम आपदा के लिए तैयार कर रहे हैं, उसका भी हम भ्रमण करने एक बार उसका अवलोकन करने जा रहे हैं। तो सारी तैयारियां की जा रही हैं। बस मेरा अनुरोध सभी से ये है कि अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें और यदि जिले का हेल्पलाइन नंबर हमने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, यदि किसी के पास कोई सूचना है तो वो ऑथेंटिक सूचना उस नंबर पे दे ताकि हम उसका फॉलोअप कर सकें। तथा दमोह शहर के लिए करिए, हम 2 वार्ड पर 1 डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ पर कर रहे हैं और जिसकी सूचना हम व्हाट्सएप के माध्यम से शहरवासियों को देंगे, तो 2 वार्ड के लोग एक निश्चित जगह पर आकर के अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। इस तरीके के हमने 39 वार्डों के हिसाब से प्लानिंग की है। तो हमारी कोशिश है कि दोपहर 3 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक 100% शहर के लोगों की भी स्क्रीनिंग हो जाए जिनको आवश्यकता है। सर, इसके अलावा जो लॉकडाउन के आदेश, तो कार्रवाई करने के लिए अभी हमने सारे SDM को, तहसीलदार और पुलिस को निर्देश दिए कि जहां कहीं भी अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करें। हमने राशन की दुकानें और दूध की दुकानें इसलिए खोली हैं ताकि पैनिक ना हो और अगर इसी तरीके से लोग सड़कों पर रहेंगे तो इनको बंद करने के बारे में भी विचार करेंगे। सर, जो लोग बाहर से आ रहे हैं या मान लो ट्रेन से आ रहे हैं, कहीं ट्रेवल करके आ रहे हैं, तो उनको सर अपन पहले वहां ले जाएंगे नहीं? देखिए, क्वारंटीन सेंटर के अभी जो निर्देश है वो विदेश से आने वाले व्यक्ति को या जिसमें कोई लक्षण दिखाई देता है उसके संबंध में है। तो अभी ऐसा नहीं है कि जो सभी कहीं से भी कोई आ रहा है तो उसको लेकर के जाना है। और चूंकि अब रेल और बस सेवा भी बंद हो गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से आने वाले लोगों की संख्या अब नाम मात्र की रहेगी। स्क्रीनिंग वगैरह के लिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और हमने आशा को ट्रेंड किया हुआ है। गांव स्तर पर आशा और ANM स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर रही है। जैसा मैंने कहा कि आज हम सुनिश्चित करेंगे कि 100% स्क्रीनिंग हो जाए लोगों की।